नमस्कार मित्रों, मैं हूं मिस्त्री धर्म सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल DS मल्लीवाला में। मित्रों, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको एक 8 HP किर्लोस्कर टाइप इंजन, जो कि रिंग डालने के बाद भी साइलेंसर के द्वारा मोबिल फेंक रहा था, लगातार मोबिल फेंक रहा था। आइए अब उसको हम एक छोटी सी ट्रिक करके, थोड़ी सी सेटिंग करके हम उसका मोबिल फेंकना बंद कर देते हैं और आप देखते रहिएगा। ये देखिए, जो ज़मीन पर जितना भी मोबिल ये पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं सारी ये ज़मीन काली हुई पड़ी है। ये जो है, ये सारा इसी के द्वारा फेंका गया मोबिल है। और ये देखते देखिएगा, और अब हम वो सेटिंग करने जा रहे हैं जिससे ये मोबिल फेंकना बिल्कुल बंद कर देगा। कुछ ही मिनटों में ये सेटिंग हो जाती है और आप देखते रहिएगा। अब हम ये लाइनर पिस्टन के बारे में बता देते हैं आपको, क्योंकि ये पिस्टन आप देख रहे हैं एक साइड से थोड़ा सा खुला हुआ है और एक साइड को कुछ ज़्यादा है। इस साइड में देखिए, जिधर में ये मेरी उंगली है, इधर देखिए उधर खुला हुआ था, इधर उधर इधर खुला हुआ है, इधर थोड़ा सा कम है पिस्टन। तो अब इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे। देखिए नीचे जा रहा है पिस्टन, वो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। ये देखिए इधर खुला हुआ है एक साइड खुला हुआ नहीं है। इसको हम बाद में लेवल करेंगे। और ये देखिए, ये एंटी फाइल लाइनर लाइनर है, एल्युमिनियम पिस्टन होता है इसके अंदर। तो ये एंटी फाइल जो लाइनर होता है, चमकदार होता है। देखिए अब हम ये सेटिंग करने जा रहे हैं, जो मेन सेटिंग है मोबिल, जिस ताकि ये मोबिल साइलेंसर के द्वारा ना फेंके। अब हम आसानी से बड़े ब्लॉक लाइनर ब्लॉक को पकड़ लेते हैं और एक रिंग आयल रिंग निकालेंगे। आयल रिंग निकाल कर इसके नीचे एक आयल सेवर हेल्पर पत्ती रिंग लगाएंगे। शायद आप लोग मैकेनिक हैं तो वाकई उस इस विषय में जानते होंगे। तो ये देखिए, ये हेल्पर पत्ती रिंग, इस ये काफ़ी बहुत बढ़िया आइटम है इस काम के लिए। ये देखिए, हम उतना ही पत्ती ले लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा काट देंगे तो ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी, तो इसका साइज ओवर हो जाएगा। हमारा आयल रिंग जो है लाइनर के अंदर फंसेगा और टाइट होकर चलेगा, जिससे लाइनर छीलने का खतरा हो जाता है। तो हम इसको उतना ही उतनी ही मात्रा में लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है और पूरा हो जाए, और ज़्यादा ना हो, कम भी ना रहे, लगभग हमारे आयल रिंग की बराबर ही हो। तो ये देखिए, अब हम इसको डालेंगे, क्योंकि ये दो रिंग है, थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है इसको डालने में, बहुत हल्की सी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, पर थोड़ी सावधानी बरतनी होती है, आसानी से डल जाता है। ये देखिए पत्ती रिंग, थोड़ा सा जब इसमें स्प्रिंग स्टी होती है, ये ऊपर की तरफ भाग जाता है, हमारा आयल रिंग ऊपर जाने में थोड़ा सा परेशानी करता है। देखिए ये हमारा रिंग बैठ चुका है, आयल रिंग। हम उसी जगह इसका जो जोड़ है, इसका जो मुंह है, जिस जगह से हमने निकाला था उसी जगह हम सेट करेंगे और रिंग को घुमा करके देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए, और बिल्कुल फ्री है, और हमारा मुंह भी रिंगों का उसी जगह है, आयल रिंग का, जहां पर हमने निकाला था। क्योंकि हम रिंग उधर डालेंगे तो फिर ये मोबिल उठाने का दिक्कत बनी रहती है। ये देखिए, सिलेंडर ब्लॉक को हम अच्छी तरह से पकड़ कर लेंगे ताकि एकदम जल्दी से ना जा पाए, इससे रिंग टूटने का खतरा रहता है। ये देखिए आसानी से रिंग बैठ चुका है। अब हम सिलेंडर ब्लॉक को बॉडी के अंदर कस देंगे, क्योंकि जो हमारी सेटिंग थी अब थोड़ी सी बाकी है। जो हमारा पिस्टन एक साइड को जा रहा था, उसको हम धक्का दे करके, खींच करके, हम थोड़ा सा बहुत माइन्यूट उस साइड में कर देंगे जिस साइड ज़्यादा खुला हुआ था। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, और इंजन भी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि ये थोड़ा सा साइड
पिस्टन एक साइड को होगा तो थोड़ा टाइट भी चलता है। अब हम इंजन को फटाफट बांध लेते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए गैस्केट लगा करके हमने सिलेंडर हेड को भी इसके ऊपर रख दिया है। अब हम फटाफट इसको तैयार कर लेते हैं ताकि हम आगे भी एक सेटिंग और करने जा रहे हैं। देखते रहिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जो ये जितना मोबिल इसने फेंका था बिल्कुल आपको बहुत जल्दी ही, थोड़ी सी थोड़ा सा समय लगेगा हमको क्योंकि हम स्टार्ट करने के बाद जो करने जा रहे हैं वो भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है शायद आपको पता भी हो ना भी हो उस चीज़ के बारे में। मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी स्टार्ट करने के बाद जो सेटिंग करूंगा, जिस तरह से इंजन को स्टार्ट करने के बाद चलाऊंगा आप देखते रहिएगा। ये देखिए हमने इंजन स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट करने के बाद ये देखो कभी कभी वाइट धुआं फेंकता है तो ये अभी माइन्यूट मोबिल ले रहा है। जब ये धुआं बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा तो समझ लीजिएगा कि मोबिल फेंकना बंद कर चुका है इंजन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इंजन को जो इसका स्पीड आर्म है गवर्नर असेंबली का, इसको हम अपने एक हाथ से कंट्रोल कर लेंगे। इंजन को स्लो फास्ट करते रहेंगे और व्हील के नीचे हमने एक देखो लकड़ी लगा रखी है और उससे हम व्हील पर दबाव दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, लोड दे रहे हैं ताकि इंजन काफ़ी अच्छा लोड लेकर स्लो फास्ट होता रहे और जो हमारा इंजन का जो धुआं है वो कार्बन बनकर और हीट पा करके रिंग हमारे सेट हो जाएंगे और जो थोड़ा बहुत कार्बन है वो रिंगों को सेटिंग में ले आएगा। अब ये देखिए धुआं लगभग ब्लैक हो चुका है और वाइटनेस धुएं की बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। ये देखिए चिंगारी और लपट भी शुरू हो गई है। ये लपट शुरू होने का जो तरीका है यही इंजन को साफ करता है और मोबिल ना उठाने के यही संकेत होते हैं। देखिए अब इस समय बिल्कुल इंजन अपनी जगह बिल्कुल फिट हो चुका है और कहीं भी आप देख रहे हैं सफ़ेद धुआं, नीला धुआं नाम मात्र को भी नहीं है और इसका जो मोबिल उठाने की, जो मोबिल फेंकने की साइलेंसर के द्वारा प्रक्रिया थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है मित्रों। तो मित्रों खुश रहो, सुखी रहो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।